नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब में। दोस्तों आज मैं फिर आया हूं आपके लिए 20 क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिहार CHO के लिए। दोस्तों पहले भी मैंने दो वीडियो डाली है, उन दो वो दो वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद में तीसरा वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा हम ये लास्ट वीडियो जो बिहार CHO क्विक रिव्यू के हिसाब से हम डाल रहे हैं, और आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इन सभी वीडियोस का आपको PDF हम उपलब्ध करवा देंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमको आपको लिंक दे देंगे और ये पूरी PDF हम आपको अवेलेबल करवा देंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नीचे दिए गए लिंक से ज्वाइन कर लें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एपिकल पल्स इज फेल्ट एट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिकल पल्स कहाँ पे फेल्ट होती है? बिलो जो बोन। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एट रिस्ट नहीं दोस्तों, टॉप ऑफ द फुट नहीं दोस्तों, सी इज ए करेक्ट आंसर। तो दोस्तों सी इज ए करेक्ट आंसर, 61 का सी आंसर करेक्ट है। 62 की बात करते हैं, इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों इन ह्यूमन बॉडी पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड इन। तो दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है? दोस्तों सभी को पता होगा ब्रेन में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं 63, बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड हुआ है। नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग इज, सभी को पता होगा दोस्तों ये तीनों नहीं है दोस्तों, कॉन्डम IUCDs और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है। कैलेंडर मेथड इज राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, रूट ऑफ DPT वैक्सीन। दोस्तों CHO के एग्जाम के अंदर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का दोस्तों बहुत बड़ा रोल रहता है, और खासकर वैक्सीन से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट जो आंसर है वो है CIM। नेक्स्ट बात करते हैं 65, ये भी दोस्तों वैक्सीन से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन कंटेन, दोस्तों स्मॉल पॉक्स वैक्सीन क्या कंटेन रखता है? तो दोस्तों लिविंग वायरस, कंफ्यूज नहीं होना है ना, हम आपको कंफ्यूज करेंगे, ये तीनों आंसर नहीं होंगे। इसके अलावा जो लिविंग वायरस इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर दियर इन कम्युनिकेशन। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है 6, 7, 8 बिल्कुल भी नहीं होंगे दोस्तों, 5 इज ए करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। 5 एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन के, और वो एलिमेंट कौन कौन से हैं दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। नेक्स्ट है 67, मोस्ट कॉमन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। दोस्तों काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं ब्लेडर के अंदर और रेस्पिरेटरी के अंदर, तो दोस्तों हम आपको बता दूं रेस्पिरेटरी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं 68, क्वारंटीन इज रिलेटेड टू। दोस्तों क्वारंटीन आइसोलेशन से क्वेश्चन बनते हैं ड्यू टू कोविड। दोस्तों कोविड संक्रमण चल रहा है उस दौरान ये लोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्वारंटीन और इसके अलावा आइसोलेशन से संबंधित। तो दोस्तों मैक्सिमम इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है दैट इज़ कॉल्ड ए क्वारंटीन, नॉट ए मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत लोग कन्फ्यूज रहते हैं दोस्तों, छोटी छोटी गलतियाँ आपको एग्जाम से बाहर कर देगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच के आंसर दीजिएगा चार ऑप्शन को पूरा पढ़ के। तो मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड इज़ कॉल्ड क्वारंटीन। नेक्स्ट बात करते हैं 69, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, pH ऑफ वेजाइना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एसिडिक। दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान एसिडिक वरना एल्कलेसिस। नेक्स्ट बात करते हैं 70, द लेंथ ऑफ सर्विक्स इज। बहुत इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन ही एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 2.5 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ सर्विक्स कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, टेक्स्ट बुक फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड ब्रिज कोर्स नर्सिंग ग्लोब। दोस्तों बहुत अच्छी बुक है, बहुत शानदार बुक है, हमने बहुत सारे एडिशंस इसके निकाल दिए हैं। दोस्तों ये बुक पूरी ब्रिज कोर्स 6 मंथ प्रोग्राम से रिलेटेड है दोस्तों, बिहार CHO और आगामी जितने भी हरियाणा CHO की जो पोस्ट आने वाली है, हिमाचल प्रदेश CHO की, इसके अलावा झारखंड CHO की काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली है, उसके अंदर ये बहुत उपयोगी साबित होगी। दोस्तों 699 इसकी प्राइस है, कोई डिलीवरी चार्ज नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के अंदर घर बैठे आप इस बुक को मंगवा सकते हैं। दोस्तों बहुत कामकारी बुक है ये, ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट हो गई है दोस्तों, ये इसके कॉन्टैक्ट नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन डिलीवरी ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत शानदार बुक को आप मंगवाने के लिए कृपया अपना एड्रेस इस नंबर पे सेंड कर दीजिए। और ये दोस्तों CHO की सबसे बेस्ट टेक्स्ट बुक है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एंड बिज कोर्स प्रोग्राम की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नॉर्मल यूट्रस वेट इन ग्राम्स।
तो नॉर्मल यूट्रस का वेट कितना होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में रिपीट होता है दोस्तों। 60 इज ए करेक्ट आंसर, 60 ग्राम दोस्तों, बिल्कुल भी गलत मत कीजिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन है। विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी अबोव, तो दोस्तों कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ल्यूटिनाइजिंग और ऑल ऑफ द अबोव। तो दोस्तों प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को होल्ड करता है, तो दोस्तों करेक्ट आंसर इज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, शेप ऑफ गायनोकॉइड और फीमेल पेल्विस। फीमेल पेल्विस से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है, तो सारी फीमेल पेल्विस आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर से एक ही क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके अंदर जो करेक्ट आंसर है कि गायनोकॉइड फीमेल पेल्विस होती है उसका शेप कौन सा होता है दोस्तों, तो दोस्तों राउंड शेप होता है गायनोकॉइड फीमेल पेल्विस का। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्किन टर्गर टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्किन टर्गर टेस्ट किस लिए किया जाता है दोस्तों, हाइड्रेशन स्टेटस देखने के लिए, हाइड्रेशन स्टेटस देखने के लिए ये टेस्ट किया जाता है स्किन टर्गर। 75 क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, नॉर्मल रेंज ऑफ PaCO2 इन एन ABG सैंपल, दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मल वैल्यू पूछी गई है, 30 से 40 नहीं होती है दोस्तों, 40 से 45 नहीं होती है, 35 से 40 नहीं होती है। डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर दोस्तों। PaCO2 की जो नॉर्मल वैल्यू होती है, ABG जब हम करते हैं, आर्टरी ब्लड गैस जो दोस्तों सैम्पलिंग लेते हैं, उससे पहले कौन सा टेस्ट करते हैं दोस्तों, जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। 35 से 45 दोस्तों mm ऑफ HG वैल्यू है PaCO2 की नॉर्मल। नेक्स्ट बात करते हैं 76, विटामिन B3 इज कॉल्ड, दोस्तों विटामिन B3 न्यूट्रिशन से भी दोस्तों बिहार CHO क्वेश्चन पूछता है, तो आप ज़रूर से एक बार न्यूट्रिशन को भी रिवाइज कर लीजिएगा एग्ज़ाम देने से पहले। तो विटामिन B3 को क्या बोलते हैं दोस्तों, नियासिन, क्या बोलते हैं दोस्तों, नियासिन। इन्फेंसी इज ए पीरियड, इन्फेंसी और न्यू बॉर्न का दोस्तों ये ज़रूर से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है, इन्फेंसी क्या है दोस्तों, 0 से 1 साल का जो पीरियड होता है, 0 से 1 साल का जो पीरियड होता है, 0 से 12 मंथ का जो पीरियड होता है, दैट इज़ कॉल्ड ए इन्फेंसी। नेक्स्ट बात करते हैं, हाउ मैनी फोंटानिल्स, फोंटानिल से भी एक क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो कितने फोंटानिल होते हैं प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न, हाउ मैनी फोंटानिल्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न। तो दोस्तों बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, 22 फोंटानिल आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न। नेक्स्ट बात करते हैं 79, अपगार स्कोर इज कंसिडर्ड एक्सीलेंट इफ द स्कोर इज, दोस्तों ये तो आपको 100% एग्ज़ाम में पूछा जाएगा बिहार CHO के अंदर दोस्तों। अपगार स्कोर के अंदर एक ऐसा स्कोर जो एक्सीलेंट दर्शाता है, इनमें से कौन सा है, निम्न में से कौन सा है, ए नहीं है दोस्तों, बी नहीं है दोस्तों, और डी भी नहीं है, 7 से 10, दिस इज ए एक्सीलेंट स्कोर इन अपगार स्कोर। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फोटोथेरेपी इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, दोस्तों जॉन्डिस के लिए फोटोथेरेपी यूज़ करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट आपके बिहार CHO के एग्ज़ाम के लिए, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। आई होप आपको ये सारे जो वीडियोस हैं इनके अंदर 80 क्वेश्चन मिले हैं, उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट दोस्तों सभी को, और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।